गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे। भिन्नों को विस्तार करना, उसका गुणा करना, उसका भाग करना। अब क्या होता है कि प्रश्न जो है वो कई बार शब्द मतलब वाक्यों के अंदर जो होते हैं उस तरह के, जैसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, तो शब्दों में जो प्रश्न दिए होते हैं उनको हम किस तरह से हल करें, क्योंकि उसमें हमें पहचानना भी है कि वो गुणा होगा या भाग होगा, और पहचानने के बाद में हमें उसे हल करना है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि एक चीज के बारे में बता के और ज्यादा का पूछा हो तो गुणा होगा, लेकिन अगर ज्यादा का बता के और एक का पूछा है तो क्या होगा, भाग होगा। यदि 6 से 1/2 मीटर लेस का मूल्य कितना है, कुल मूल्य कितना है 115 सही 3/8, तो 1 मीटर लेस का मूल्य ज्ञात करो। तो यानी इसने ज्यादा का पूछा है, बताया है 6.5 मीटर लेस इतने की आती है, तो 1 मीटर लेस कितने की आएगी, तो हम भाग कर देंगे तो जो मूल्य होता है वो पहले लिखा जाता है 115 सही 3/8 और भाग का निशान और 6 सही 1/2। ठीक है, अब मिश्र बिंदु में आपको बता रखा है, मिश्र बिंदु को हम साधारण बिंदु में बदलते हैं, यानी इस 8 को 115 से गुणा करेंगे। जरा गुणा करके देखिए, 8 5 40 हाजी की 4, 8 1 8, 8 और 4 12, ठीक है, 12 की 2 हाजी की 1, अब 8 1 8, 8 में 1 जोड़े तो 9, यानी 8 को 115 से गुणा करने आता है 920। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाला 3, तो कितना हो गया 920 में 3 जोड़ा तो कितना बन गया 923। ठीक है, अब हम क्या लिखे, यहाँ लिखेंगे हम 923/8, भाग का निशान, और 6 से 1/2 को भी साधारण रूप में बदल दो, 2 को 6 से गुणा करो कितना हो गया 6 2 12 या 2 6 12, जो उत्तर आया उसमें 1 जोड़ दो, यानी 13/2। ठीक है, अब क्या बताया था आपको कि ये संख्या तो ऐसी कैसे रहेगी, भाग का निशान बदल जाता है गुणा में, और ये व्युत्क्रम या व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी 13 नीचे। अब कटता है तो काट दो, देखो देखिए 8 और 923, यानी 923 में 8 का भाग जाता है जब नहीं जाता, तो जरा हम ऐसे काट सकते हैं 2 और 8, क्योंकि 2 और 8 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में, और 8 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में। अब कोई संख्या नहीं कटती है तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 923 को 1 से गुणा किया तो 923, और 13 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 352, यानी 1 मीटर लेस का मूल्य कितना हो जाएगा 923/52। और आप चाहें तो इसको मिश्र बिंदु में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि पिछले में आपने होमवर्क जो करके सेंड किया उसमें आपने क्या किया, ऊपर ही संख्या से काट दिया। मैंने आपको तब भी कहा था ऊपर वाली संख्या से नहीं कटेगी, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या होनी चाहिए, चाहे वो इधर से इधर हो या इधर से इधर हो या फिर सीधे ऊपर नीचे हो, लेकिन ना तो सीधा ऊपर का ऊपर से और ना नीचे का नीचे से, ऐसे नहीं कटेगी। ठीक है, अगला, यदि एक विद्यालय में एक पीरियड 2/3 घंटे का है, एक पीरियड बताया है इसने, देखो ठीक है, और पूछ कितने का रहा है, कितने घंटे का होगा, 9 पीरियड कितने घंटे के होंगे, यानी एक पीरियड के बारे में बता के और कितने पीरियड के बारे में पूछ रहा है, 9 पीरियड के बारे में, यानी ज्यादा के बारे में पूछ रहा है या कम के बारे में पूछ रहा है, ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भाग ना होके क्या होगा, गुणा होगा, यानी 2/3 गुणा 9,
इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो हमने क्या लगा दी, एक अलगड़े के लिए आसन करने के लिए। अब देखो तीन और नौ दोनों तीन के पहाड़े में आते हैं, क्रॉस में कटती है ना संख्याएं, तो तीन एका तीन और तीन तिया नौ। अब कुछ नहीं कटा, ऊपर का ऊपर से गुणा करो, दो को तीन से गुणा करेंगे, दो तिया छह और नीचे एक एका एक। तो हम नीचे एक का मान नहीं होता, अगर नीचे एक के अलावा कोई भी संख्या हो तो हम लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे एक आ जाए उत्तर में तो हम एक नहीं लिखते हैं, सीधे लिखेंगे छह घंटे का। यानी ऐसे नौ पीरियड कितने घंटे के हो जाएंगे, छह घंटे के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ज्यादा का दिया हुआ है और एक का पूछा है तो क्या किया है भाग, एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है, नौ पीरियड का पूछा है तो क्या हो जाएगा गुणा। अगला, यदि वर्ग की एक भुजा 16 सही 3/4 मीटर है तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग, वर्ग का आकार कैसा होता है बेटा, देखो वर्ग का आकार होता है यूं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ठीक है। अब इसने बोल रहा है कि एक भुजा इतने की है तो परिमाप, तो पहले तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप, हमें परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का, इसकी जो भी भुजा उन भुजाओं का योग, और हम सीधा सूत्र से लिख सकते हैं चार गुणा भुजा। कितने पढ़ा है आपने, सिक्स में भी पढ़ा है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है चार गुणा भुजा, तो जरा इसको करें, चार गुना भुजा कितनी है 16 सही 3/4 मीटर। अब देखो यानी चार गुना सोचो 64 में 3 65 66 67/4, चार से चार कट गया यानी कितना रह गया 67 मीटर, यह आ गया वर्ग का परिमाप। अब देखो क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी इसको इसी से गुणा कर दो, ठीक, यानी 16 सही 3/4 गुणा 16 सही 3/4। अब हमने 16 सही 3/4 को मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु में बदला था तो कितना आया था 64 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा 67/4 गुणा, इसको भी बदल दे, सोचो 64 में 3 जोड़े तो 67/4। आप कटता है तो काट दो और नहीं कटता है तो सीधा गुणा कर दो, 67 को 67 से गुणा करो जरा, तो देखो 67 गुणा 67, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं 7 7 49 4 साछी 42 42 में 4 जोड़े तो 46 छह का सातवार बोले 76 45 हासिल 4 36 36 में 4 जोड़े तो 40 जोड़ा संख्याओं को 9 6 2 8 4 4 तो कितना हो गया 4 4 8 9/4। अब ये तो हमारा इसका हुआ, लेकिन ये ध्यान रखो कि परिमाप तो केवल मीटर या सेंटीमीटर में होता है, लेकिन क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको मिश्र बिंदु में भी ले सकते हैं, जैसे 4 का भाग दे दो 4 4 8 9 में, 4 एका 4 वापस 4 एका 4 8 बचा 4 दूनी 8 9 बचा 4 एका 4 दूनी 8 1 बचेगा यानी 1122 सही 1/4 1122 सही 1/4 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको बच्चों बिन्ने समझ में आ गई होगी कि कैसे इनको गुणा करना है,
पहचान कर गुणा या भाग करना है। थैंक यू बच्चों।